वोट बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी वोट हमारा न रह जाए। इस सरकार में कोई भी महिला या बेटी सुरक्षित नहीं है। बहुत घटनाएं हो रही हैं जो हर महिला घर से निकलते हुए डर रही है। आजम खान साहब ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी छवि खराब हो ही नहीं सकती। पढ़े लिखे युवा आज चाय का ठेला लगाने के लिए तैयार हैं, तो क्या किया उन्होंने? वो नंबर वन है भ्रष्टाचार के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने विकास कार्य गिनाने में लगी हुई हैं और जनता तक पहुंचने में की कोशिश कर रही है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है राजेश कुमारी यादव, जो समाजवादी पार्टी की नेता और राज्य महिला की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका सनराइज न्यूज में। थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल आपसे ये, समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारियाँ किस तरीके से कर रही है? समाजवादी पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथों पर जा कर के हर बूथ पर 20 यूथ को तैयार करें, और जिससे हमारे जो बीजेपी की सरकार में हमारे वोट पड़ने से रह जाते हैं वो हमारा वोट न रह पाए। उससे पहले हर विधानसभा में सेक्टर वाइज हम लोग मुरादाबाद के अंदर वोट बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी वोट हमारा न रह जाए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी पार्टी का वोट हो वो वंचित न रहे वोट से। राजेश जी, आपने बात की कि आप लोग तैयारियों में जुट चुके हैं और अलग अलग सेक्टर बना दिए गए हैं जिससे कि वोट को बढ़ाया जा सके, तो ऐसी क्या रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी वोट बढ़ाने में लगी हुई है? कि हमारे यहाँ जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं सबकी 15-15 लोगों की टोली बना दी गई है और सेक्टर बना दिए गए हैं, और वो उस सेक्टरों में घर घर जा कर के किसका वोट है किसका नहीं है, जिसका नहीं है उसका फार्म भरवा के अधिकारियों से मिलते हैं और उनके वोट बढ़वा रहे हैं। अच्छा, इस रणनीति के तहत जातीय समीकरण को भी काफ़ी ध्यान में रखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। समाजवादी पार्टी में हर जाति का हर धर्म का वोट है, हमारे लिए सभी जाति और धर्म बराबर हैं, हम सबको बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं, मुद्दे तय हो गए होंगे कि किस मुद्दों के साथ जनता के बीच में इस बार समाजवादी पार्टी जाएगी? सबसे पहला मुद्दा यह है कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं महिला हूँ, मैं अच्छे से ये समझती हूँ कि हमारे घर में जो किचन का है सबसे महंगा अगर कोई आइटम हुआ है तो रसोई हुई है, चाहे वो गैस हो, चाहे दालें हो, चाहे सब्जी हो, चाहे गेहूँ हो, सबसे ज़्यादा महंगाई महिलाओं को दिखाई देती है कि इस सरकार ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, जो हर व्यक्ति परेशान है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया है, एक किसान भी परेशान है, मध्यम वर्ग का आदमी तो झेल भी जाएगा लेकिन किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अच्छा, आपने बात की महिलाओं की कि महिलाएं सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रही हैं, और आप महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है प्रदेश में तो महिला सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से कदम उठाएगी पार्टी? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो सकता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 10-90 योजना चलाई थी जिस पर कोई भी महिला के साथ अन्याय होता था उस पर कॉल किया और गोपनीय वो रखा जाता था और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, जिससे उनका मनोबल बढ़ रहा था और जो गद्दार या गलत लोग थे वो डाउन हो रहे थे और ये घटनाएं होना बंद हो गई थी। लेकिन इस सरकार में कोई भी महिला या बेटी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का बहुत शोषण, उत्पीड़न, रेप, बहुत घटनाएं हो रही हैं जो हर महिला घर से निकलते हुए डर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार तो ये कहती दिखाई देती है कि प्रदेश में क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया और महिलाएं काफ़ी सुरक्षित है। अभी मुरादाबाद में जनवरी में एक महिला, यहाँ बेटी है 13 साल की, जो कुछ लोग उठा ले गए और उसके माँ बाप लगातार धरने पर बैठे हुए हैं कचहरी पर। अभी तक उस बच्ची को, उसके माँ बाप को न्याय नहीं मिला। यहाँ का प्रशासन अभी उनको अरेस्ट नहीं कर पाया और माँ बाप को बेटी नहीं दिलवा पाया। तो ये क्या कार्यशैली है इसकी, सरकार की? 13 साल की बेटी को पुलिस नहीं अभी तक ढूंढ पाई। 2 जिलों की पुलिस लगी हुई है, मुरादाबाद और संभल, तो क्या सुरक्षित है आप बताइए?
हर समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर के सबसे पहला पहला कदम महिला सुरक्षा का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सोच रहती है कि सबसे पहले माँ और बहन बेटी की सुरक्षा की जाए। अच्छा, महिलाओं से हटकर के आज़म खान जी की बात करते हैं। आज़म खान समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी अहम है, इस चुनाव में उनका क्या किरदार रहने वाला है? जिस तरह से उन्होंने 1992 से समाजवादी पार्टी के लिए जितना मेहनत की है वो जेल में हैं, लेकिन माननीय आज़म खान साहब पूरे जी और जान से समाजवादी में हैं और पूरी भूमिका जैसे निभाते आए हैं, जितनी वो कर सकते हैं उनका परिवार समाजवादी के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों के मन से वो छवि कुछ हद तक कम हुई हो या कुछ खराब हुई हो? नहीं, आज़म खान साहब ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी छवि खराब हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो इस बार ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा कर के दौरा कर रहे हैं, उससे किस तरीके का असर पड़ेगा चुनाव में? वो ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम वोट काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं और वो अपने लिए नहीं लड़ते, वो केवल भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने के लिए हर प्रदेश में जाते हैं, लेकिन यहाँ मुरादाबाद में नहीं पूरे यूपी में उनका कोई असर किसी मुस्लिम वोट पर नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव अक्सर रोजगार को लेकर के चिंतित रहते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो रोजगार के विकल्प भी काफ़ी खुलेंगे, और अक्सर आम जनता काफ़ी परेशान है, उनके पास रोजगार के लिए कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो रोजगार के लिए वो किस तरीके से रणनीति तैयार करेगी और कैसे रोजगार देगी? देखो, ये क्या तैयार करेंगी रणनीति, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जितना रोजगार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने दिए थे अपने शासनकाल में, और इस बार भी उनके हार्दिक इच्छा है कि वो जितने रोजगार हैं युवा उनको सबसे पहले वो नौकरियां देगी। योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं और बीजेपी भी ये कहती है कि प्रदेश नंबर वन है और योगी आदित्यनाथ नंबर वन मुख्यमंत्री है, आप नंबर वन को किस मायने में देखते हैं और योगी आदित्यनाथ का कौन सा ऐसा काम है जिससे जो सबसे बड़ा आपके लिए नाखुशी का कारण बना है? ये योगी आदित्यनाथ नंबर बने हैं अत्याचार भ्रष्टाचार लूट खसोट में, बाद बाकी तो उनका कोई ना कोई विकास है और ना उन्होंने कोई काम किए इस तरह से, ना महिला सुरक्षा, ना युवा, पढ़े लिखे युवा आज चाय का ठेला लगाने के लिए तैयार हैं, तो क्या किया उन्होंने? वो नंबर वन है भ्रष्टाचार के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थी राजेश कुमारी यादव, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और रोजगार महंगाई को लेकर के किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है। सनराइज़ न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।